साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र रावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रावत फैमिली पहाड़ी में। तो चले साथियों आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आज मैं अपने बच्चे सौरभ रावत का एडमिशन करने के लिए जा रहा हूँ, वो भी सरकारी स्कूल में। कौन से सरकारी स्कूल में, जो कि इतना बढ़िया सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी उसके सामने फेल है हर मामले में, चाहे आप पढ़ाई से लेके, संगीत से लेके, खेल से लेके। तो ज़्यादा देर न करें, चलते हैं, आपको व्लॉग को पूरा देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चले साथियों, कटेगी बैठो गाड़ी में बैठो, बच्चे भी जिद करने लग गई है। चल छोड़े के मैं ये ले जा, लाओ से बिल्कुल लाओ से बात, आज डुको भी ले जाना स्कूल तो चले। हाँ, बच्चे का आधार कार्ड तो था पर फोटो कॉपी नहीं थी, तो यहाँ पे फोटो कॉपी की, क्योंकि एडमिशन के लिए बहुत ज़रूरी है फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स की। तो चले अभी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है स्कूल में, तो इसलिए थोड़ा सभी बच्चों का मुंह मीठा भी होना चाहिए। रख, तो चलते अब यहाँ से भी आगे। और दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम स्कूल में, अब दिखाते डायरेक्ट आपको कौन सा स्कूल है। ये देखिए साथियों, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटड़ी, कोटड़ी में इसका एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा रास्ता भी है। और यहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय है, ये देख सकते हो आप। और ये हो दी ठीक ठाक हाई स्कूल है, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोडिशन। अरे तुम बोलो समाचार चैनल में, इंडिया टीवी और डीडी न्यूज और कौन सा है, कौन बोलेगा? हाँ देखो तुम बोलो समाचार क्या क्या मनी टीवी मान से समाचार, यहाँ पे खड़े हो जाओ। हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं ताली बजाओ, हमें क्या नहीं करना चाहिए, चोरी करनी कैसी आदत है, गंदी आदत है, बुरी बात है। ठीक है सावधान, राष्ट्रगान शुरू कर। नाम कर शिवल का शाबाश। और यहाँ पे गुरु जी काम कर रहा, काम कर रहा श्री ध्यानी जी, शाबाश बैठ चल वक बैठ। और डुगो क्लास में जाता हुआ इस समय सभी को बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। आए देख तेरे साथ ही, हाँ कौन है, नाम जानता किसी का, बोलो सभी तेरे साथ ही है। हाँ ये देख सभी तेरे साथ ही है, देख उधर देख, क्या पढ़ाई चल रही है अभी, चल रहे शाबाश, करो पढ़ाई करो, डुगो बैठ। हाँ बैठ बाबा, ये देख सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे, देख शाबाश, कौन सी गलत, क्या क्या लिख रहे हो तुम, शाबाश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो थोड़ा आगे आगे डुगो खेल भी करो, कहाँ गया वो, वाह बैठ भी गए थे, शाबाश। ठीक हो सभी,
बोलो गुड मॉर्निंग, सिट डाउन ऑल ऑफ यू, बैठो सभी। तो यहाँ पे 3 और 4 है, कक्षा 3 के बच्चे हैं, 2 के कहाँ है? अच्छा 2 के दूसरे कमरे में। सिर्फ 3 थे आपको, और यहाँ पे कंप्यूटर कक्ष इसी में डिवाइड कर रखा है क्योंकि कमरों की शॉर्टेज है। अभी एक नया कमरा भी बन रहा है और बच्चे यहाँ 50-55 से ऊपर है, तो छोटी सी यहाँ पे कंप्यूटर भी है, देख सकते हो आप, प्रिंटर भी है। तो कक्षा 5 यानी प्राइमरी में कंप्यूटर कक्ष होना बहुत बड़ी बात। और साथियों सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी, मेडिकल किट भी अवेलेबल है। तो गुरुजी ने कहा मैं परसों ही लाया हूँ इसे, तो दिखाते हैं आपको क्या क्या है। हाँ सर जी बताइए क्या क्या चीज़ है मेडिकल में। मेडिकल में ये जो छोटे मोटे चीज़ें हैं, छोटे मोटे चोट खरोंच, अभी पेट दर्द के लिए, अच्छा बुखार के लिए, अच्छा ओआरएस भी दिख रहा है इसमें, ओआरएस है जैसे ओआरएस, अच्छा बाम भी है, बाम है, बैंडेड बैंडेड छोटे मोटे कट फट के लिए, अच्छा अरे ये रुई है, रुई है, डिटॉल की भी है हमारे पास में। अच्छा इस समय स्कूल में स्ट्रेंथ बच्चों की इस समय तो अभी चल ही रहा है, पर फिलहाल वर्तमान में 50 छात्र हैं, फिर बढ़ते जाएंगे अभी छात्र संख्या, अभी तो केवल अभी तक 4 एडमिशन हो गए, संभावना भी है कि 10 एडमिशन हो सकते होने वाले हैं। अच्छा तो ये पूर्व की तरह ही रहेंगे, 50-55 के बीच में छात्र संख्या। अच्छा तो देख सकते हो आप 50-55 के बीच में छात्र संख्या, वो भी प्राथमिक विद्यालय में होना बहुत बड़ी बात है। जहाँ एक और सरकारी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पे है, तो वहीं दूसरी ओर दिन प्रतिदिन राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटरी में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है पूछते हैं सर से। तो सर इसका मुख्य कारण क्या है छात्र संख्या बढ़ने की? छात्र संख्या बढ़ने के लिए एक है कि हमारा दोनों अध्यापकों का एक तो छात्र हित के लिए निरंतर प्रयासरत है, छात्रों को जैसे नवोदय की तैयारी कराना, और लगभग आपने बाहर इसको बोर्ड देखा होगा, जी जी बिल्कुल, 9 साल से लगातार बच्चे जवाहर और राजीव नवोदय के लिए निकले हैं, जी जी, वर्तमान में 26-27 बच्चे हमारे पास आउट हो चुके हैं, अभी जवाहर नवोदय और राजीव नवोदय दोनों में पढ़ रहे हैं, इस बार भी संभावना है, इस बार भी हमारे 2-3 छात्र जरूर निकलेंगे और आगे प्रयासरत रहेंगे। कई हमारे जैसे राज्य स्तर पर खेलों में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी देखा, कार्यक्रम में राज्य स्तर पर प्रतिभा, बल्कि हमारे 3 बार राज्य स्तर तक पहुंच चुके, 2 बार हमारे को अचीवमेंट मिला है, दौड़ में हमारा बच्चा राज्य स्तर पर सेकंड रहा है, खो खो में हमारे राज्य स्तर पर बच्चे द्वितीय स्थान पर रहे हैं, मतलब लगातार हम ये 2 साल से बेशक हम नहीं जा पा रहे खेल कूद कोरोना के कारण, कोरोना के कारण, लेकिन अब अगला ये जो नया सत्र 22-23 इसमें हम पूरे जोर शोर के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में इस बार भी हम खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रयास करेंगे और आगे अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, और लगातार हम लगे रहते हैं हर प्रतियोगिता में। गणित बिजाड़ में मेरे बच्चे लगातार पिछले 4 सालों से मेरे बच्चे जिला स्तर पर प्रतिभा किया, ये गणित बिजाड़ की प्रतियोगिता होती है विभाग से, सामुदायिक सहभागिता में हमने लगभग 1.5 लाख से ऊपर का सामान अपने विद्यालय के लिए जुटा लिया है। तो 1.5 लाख से ऊपर विद्यालय के लिए सामाजिक संस्था या बाहरी लोगों से जुटा है, सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक संस्थाओं ने भी दिया है हमारे पास, अच्छा के लिए जैसे ज्ञान दीप पुस्तकालय ने दिया है, ये हमारे हरिंदर सिंह जी है, ये जो साउंड सिस्टम, अच्छा साउंड सिस्टम 22,000 का, अच्छा हमारे पास प्रोजेक्टर है, और ये क्या है, कैसियो है, अच्छा पंखे हैं, प्रोजेक्टर हैं, कंप्यूटर हैं, देखो विधायक जी ने हमारे को 2 कंप्यूटर दिए हैं, अच्छा। और फर्नीचर दिया है 30 बच्चों को बैठने के लिए, और हमने पंखे ये हमारे जिला पंचायत सदस्य द्वारा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य द्वारा दिए गए हैं, अच्छा। और कई ऐसे संस्था हमारे पास ढोलक, हमने स्वयं के प्रयास थे और SMC ने ऐसा प्रयास किया है कि विद्यालय में निरंतर हम संसाधन जुटाते आ रहे हैं, अच्छा भी जुटाते रहेंगे। तो मतलब आप देख सकते हो खेल से लेके पढ़ाई से लेके हर गतिविधि में सर आगे है आप। लकी फर्नीचर कोटी थाना ने विद्यालय को कौन है, अच्छा प्रकाश भाई, नहीं लकी फर्नीचर भरत भाई सिंह डाबल वाले, अच्छा। और अब ले चलते हैं आपको MDM में जहाँ किचन खाना बन रहा है इस समय, तो क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं पूछते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप 2-2 भोजन माता, तो यहाँ पे क्या क्या बोल रही हो,
सब्जी बन रही है यहाँ पे, तो सब्जी डेली बनती है कि? अच्छा, तो मेनू के अनुसार है। और यहाँ पे दूसरी भोजन माता खाना बनने से पहले ये जो प्लेटें साफ करते हैं, दोबारा आप देख सकते हो। उसके बाद क्योंकि खाना इसमें परोसा जाएगा, तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, नल भी सामने है और नीचे ये कैनाल नहर जा रही है। 1, 2, 3, 4, 20 लगे हुए हैं नल। जल ही जीवन है, ज़्यादा बर्बाद नहीं करें। तो पूरी फैसिलिटी कम जगह में, और गुरुजी यहाँ पे क्योंकि सभी, अच्छा सभी उन्हीं का प्रयास है, दोनों टीचर लोगों का। तो ये ऊपर देख सकते हो आप, किचन और टैंक ऊपर। और यहाँ पे गुरुजी के अथक प्रयास से विदाई निधि भी आई हुई है, तो उन्हीं का प्रयास है विदाई निधि खींचना। वो भी एक कमरे, क्योंकि कमरे कम पड़ गए थे और बच्चे अधिक थे, 50 से ऊपर बच्चे हैं। तो विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए कि जो उन्होंने गुरु जी का भी ध्यान रखा और बच्चों का भी रखा, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए कमरे होने बहुत ज़रूरी है। तो देखिए साथियों, आप यहीं से पढ़ सकते हो, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। विगत वर्षों से क्रीड़ा या सांस्कृतिक प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रतिभा करने एवं स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं, पहले आप इन्हीं को देख लो, वैशाली खो खो में, सौरभ दौड़ में, पूरा आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए और गुरु जी को बधाई दीजिए, क्योंकि उनके अथक प्रयास से ये संभव है। इसी तरह आप देख सकते हो, कोरोना काल ना आया होता तो 21-22 का भी यहाँ लेखा जोखा रहता। देख सकते हो आप, काम भी चल रहा है स्कूल का, और ये गेट है। तो चलो साथियों चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बच्चों को बाय बाय भी बोल दिया, तो मेरे बच्चे के लिए भी आप बधाई दीजिए, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।